सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और सोलो कॉन्करर की जानदार शानदार रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो में। एंड मेरे भाई, आज वाली वीडियो में भी दो गेम प्ले रहने वाले हैं और भाई दोनों के दोनों गेम में हम चिकन निकालने वाले हैं, तो तुमको काफी ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल मैं उतरता हूँ इवेंट पे। अब यार यहाँ पर मैं उतरते के साथ एक बंदे को तो फिनिश कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा होता हूँ, तब यार यहाँ पर मेरे को एक बॉट स्पॉट होता है। जैसे यहाँ पर मैं इस वाले बॉट को फिनिश करता हूँ, तब यार यहाँ पर मेरे को सामने की तरफ में एक और बंदा स्पॉट हो जाता है, जो कि भाई मेरे पे नेड कर रहा होता है। अब यार यहाँ पर जो बंदा मेरे पे नेड कर रहा होता है, उस बंदे को तो यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ, बट भाई उतने में यहाँ पर हो जाती है अपने साथ में थर्ड पार्टी। एंड यहाँ पर एक बंदा मेरे को किल कर देता है, बट कोई ना। उसके बाद तो यार यहाँ पर मैं उतर जाता हूँ दूसरे वाले इवेंट पे। अब यार यहाँ पर इस वाले इवेंट पे मैं क्यों उतरा था, क्योंकि भाई ये वाला इवेंट जो था ये प्लेन पास से काफी दूर था, तो मेरे को लगा था कि इधर कोई नहीं आया होगा, बट यहाँ पर ऑलरेडी एक और बंदा था। अब यार यहाँ पर इस वाले भाई को तो मैं इजीली किल कर देता हूँ। उसके बाद तो यहाँ पर मैं होल्ड कर ही रहा था, तब यार यहाँ पर मेरे को एक यूएस स्पॉट होती है। अब यार यहाँ पर इस यूएस वाले बंदे को मैं अच्छा खासा डैमेज तो दे देता हूँ। उसके बाद तो यहाँ पर मैं इस बंदे पे डायरेक्टली रश करने के लिए आ जाता हूँ, और इस बंदे से अब तुम लोग मेरी फाइट देखो। अब यार यहाँ पर इस वाले भाई को भी मैं इजीली किल कर देता हूँ। उतने में यार यहाँ पर मेरे को सामने साइड में एक बॉट स्पॉट होता है, और भाई यहाँ पर इस वाले बॉट को भी मैं इजीली किल कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा होता हूँ, तब यार यहाँ पर मेरे को सामने साइड में दो बंदों में आपस में फाइट होती हुई दिखती है, तो यहाँ से मैं थर्ड पार्टी करता हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पर अपने 7 किल हो चुके थे, और भाई अब मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पर मैं कोई रिक्स लूँ, क्योंकि अपने पास में अभी रिकॉल भी नहीं है, तो यहाँ से मैं निकल लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैं और बंदे ढूंढ रहा होता हूँ, तो यार यहाँ पर बुर्ज खलीफा के पास में एक बंदे ने फ्लेयर गन चलाई होती है, तो मैं आता हूँ इस बंदे पर रश करने के लिए। एंड भाई यहाँ पर तुम लोगों को ये वाला सीन देखकर तो पता चल ही गया होगा कि भाई यहाँ पर अपना नेट कितना ही अच्छा चल रहा है। खैर यहाँ पर ड्रॉप भी आ चुका था, तो मैं इस वाले ड्रॉप को लूट लेता हूँ। और भाई यहाँ पर इस वाले ड्रॉप से मेरे को MG3 मिल जाती है, और MK भी मिल जाती है, तो MK को मैं उठाता नहीं हूँ, MG3 उठा लेता हूँ। उतने में यहाँ पर मेरे को एक बॉट के फुटस्टेप आते हैं। फिलहाल भाई जैसे यहाँ पर मैं इस वाले बॉट को फिनिश करता हूँ, तब यार यहाँ पर जिस बंदे ने फ्लेयर गन चलाई होती है, वो बंदा आ जाता है मेरे पे रेस्ट करने के लिए। अब यार यहाँ पर इस वाले भाई को लग रहा था कि यहाँ पर मैं अपनी गन रिलोड कर रहा हूँ, और ये बंदा यहाँ पर जंप कर देता है, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती होती है। खैर इसको तो यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद तो यहाँ से मैं निकल लेता हूँ। अब काफी देर तक बंदे ढूंढता हूँ, बट मेरे को कोई मिलता नहीं है। अब सर्कल भी जो था वो बना था भाई मिलिट्री बेस साइड का, तो भाई यहाँ पर जैसे ही मैं दोबारा आता हूँ, मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं। और भाई यहाँ पर ये बंदा काफी अच्छा खेल रहा था, इसके पास में ग्लेशियर भी थी, बट यहाँ पर मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद तो यहाँ पर मेरे को सर्कल में जाना था, तो इस वाले स्पाइडरमैन से चलते हैं।
जैसे ही यहाँ पर मैं सर्कल में आता हूँ, मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है। अब इस बंदे को यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छा डैमेज दिया था, बट ये बंदा पानी में ही फिनिश हो जाता है। उसके बाद तो यहाँ पर मेरे को दोबारा से सर्कल में जाना था, क्योंकि भाई यहाँ पर अपने पास में व्हीकल वगैरह थी नहीं। अब यार यहाँ पर तुम्हारा भाई क्या ही IQ लगा के सर्कल में आया। भाई इस वाली रोटेशन के लिए तो मेक श्योर लाइक जरूर कर देना। फिलहाल तो यार यहाँ पर मेरे को एक और बंदा स्पॉट हो जाता है। अब यार यहाँ पर इस बंदे को सर्कल में तो आना ही था, तो ये बंदे को तो यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। फिलहाल तो अभी के लिए मेरे को भी सर्कल में जाना था, बट यार उतने में यहाँ पर मेरे को एक और बंदा स्पॉट हो जाता है। अब यार यहाँ पर ये बंदा जो था, ये लेट के मेरे पे स्प्रे लेने ही वाला था, लेकिन यार यहाँ पर मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। अभी के लिए तो मेरे को भी सर्कल में जाना था, और अभी मेरे नीचे एक और बंदा था और एक बंदा सामने था। तो देखो भाई किस तरीके से अपन सर्कल में जाते हैं। Run. बाबली गांड। अब यार यहाँ पर बैप शूटर की पावर का यूज़ करके मैं भाई सैक पर आता हूँ, और सैक पर मेरे को एक बग्गी स्पॉट हो जाती है। और भाई यहाँ पर मैं बग्गी उठा के उधर से निकल लेता हूँ, एंड यहाँ पर मेरे को 2 किल मिल जाते हैं। फिलहाल तो यार यहाँ पर 2 बंदे और बचे थे। जिसमें कि यार यहाँ पर मैं एक और बंदे को फिनिश कर देता हूँ। अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ 1v1 की सिचुएशन बची होती है, और भाई यहाँ पर 1v1 की फाइट देखो बस तुम लोग। अब एंड यार इसी के साथ हम इस वाले गेम में भी इजिली चिकन निकाल लेते हैं। फिलहाल इस वाले गेम से मेरे को अच्छा खासा प्लस मिल चुका था। बाकी तो बढ़ते हैं अपने सेकंड गेम की तरफ, और ये वाला गेम प्ले की तुम लोग एंडिंग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बस देखो अब यार यहाँ पर इस वाले गेम के सीन कुछ इस प्रकार से चल रहे थे। सामने वाले कंपाउंड पे एक बंदा था, उसके पास में थी AWM और अपने पास में थी कार 98। बट देखना फिर भी हम उस बंदे को किस तरीके से किल करेंगे। और भाई तुमको ये वाला हेडशॉट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई। मतलब इस बंदे को क्या ही हेडशॉट लगा भाई। इस वाले हेडशॉट के लिए तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक भी कर देना। और यार अभी तक नहीं करा है तो भाई अब तो करना ही पड़ेगा तुमको। खैर अभी के लिए तो मेरे को दोबारा से सर्कल में जाना था। अब यार यहाँ पर सर्कल में आने के बाद ये वाली जगह मेरे को सही लगती है, तो यहाँ पर मैं अपनी बग्गी रोक लेता हूँ। बट भाई यहाँ पर एक बंदा मेरे को क्या ही डैमेज देता है। लकीली यार यहाँ पर मैं बिल्कुल मरते मरते बचता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बॉल लगाता हूँ, उसके बाद इस बंदे पे नेड करता हूँ। और भाई यहाँ पर ये बंदा जो था, ये एक ही नेड से फिनिश हो जाता है। अभी के लिए तो यहाँ पर सिर्फ 1v1 की सिचुएशन बची थी, एंड भाई सर्कल भी लास्ट वाले बंदे पे बचा था, बट अभी के लिए अपने को सर्कल में जाना था। अब यार यहाँ पर लास्ट वाले बंदे पे भी मैं सिर्फ एक ही नेड करता हूँ, और ये बंदा एक ही नेड से फिनिश हो चुका था। फिलहाल तो कैसे ही था आज वाली वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया हो तो भाई लाइक तो जरूरी कर देना। तो बाय बाय।